everyone. I'm Khushbu Revatkar. Please watch INN24 International News Network. नमस्कार, स्वागत है आपका INN24 पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। छत्तीसगढ़ के बस्तर में मुखबिर के आरोप में नक्सलियों ने सरपंच को उतारा मौत के घाट। छत्तीसगढ़ में शहीद हुए युगल को पूरे राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। बिहार के गया में राखी बंधवाने जा रहे भाइयों को स्कॉर्पियो ने रौंदा, एक की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। झारखंड के गुमला सदर अस्पताल में सरकारी दवाइयों का अभाव, बाजार से दवाई खरीदने के लिए मजबूर हैं परिजन। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सली अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसमें बीती रात नक्सलियों ने एक सरपंच की हत्या कर दी। हत्या के बाद नक्सलियों ने कई गाड़ियों में भी आग लगा दी। ये पूरी घटना कोरापुट जिले के पांडुआ थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। मृत सरपंच का नाम जगन्नाथ खोरा है। जगन्नाथ हत्ती बारी गाँव का सरपंच था। सोमवार की रात लगभग 50 की संख्या में नक्सली गांव में पहुंचे और जगन्नाथ की तलाश करने लगे। फिर घर से निकालकर गांव के करीब ही उसकी हत्या कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक पूरी वारदात को श्री काकुलम दलम के नक्सलियों ने अंजाम दिया है। नक्सलियों ने जगन्नाथ पर पुलिस की मुखबिर होने का आरोप लगाया है। वारदात के दौरान नक्सलियों ने गाँव में एक ट्रैक्टर, एक जीप और एक बाइक को आग के हवाले कर दिया। छत्तीसगढ़ से लगे राज्य उड़ीसा के कोरापुट में बीती रात नक्सलियों ने मुखबिर का शक लगाते हुए सरपंच को घर से निकालकर गला रेतकर हत्या कर दी। वहीं सरपंच की चार गाड़ियों को आग के हवाले भी कर दिया। नक्सलियों ने आसपास में रहने वाले ग्रामीणों को यह भी हिदायत दी है कि आज के बाद पुलिस का साथ देना और पुलिस की मुखबिरी करने वाले का भी अंजाम यही होगा। विजय पचौरी, INN24, जगदलपुर। झारखंड के गुमला सदर अस्पताल की लचर व्यवस्था के उजागर होने के बाद सूबे के मुखिया ने कार्रवाई तो कर दी, पर इस कार्रवाई से अस्पताल की व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हालात बदस्तूर जारी है। जब अस्पताल की व्यवस्था की पड़ताल की गई तो देखा कि मरीजों को चिकित्सक द्वारा भर्ती नहीं लिया गया और डांट कर भगा दिया गया। चिकित्सक के इंतजार में मरीज बाहर बैठे रहे। आज भी मरीजों को अस्पताल से दवा उपलब्ध नहीं हो रही है। इस सब मामले में आज भी ना तो सिविल सर्जन गंभीर दिखे और ना ही जिले के उपायुक्त। झारखंड के बदतर व्यवस्था को लेकर सुर्खियों में आए गुमला जिले के सदर अस्पताल की HM को मुख्यमंत्री द्वारा निलंबित कर दिया गया। बावजूद इसके सदर अस्पताल की व्यवस्था पर कोई सुधार नहीं दिखा। गुमला सदर अस्पताल में दो दिन पहले दवा के अभाव में एक बच्चे की मौत हो गई। मामला काफी गर्माया, लेकिन स्थिति आज भी वैसी ही है। आज भी अस्पताल में भर्ती मरीजों को किसी प्रकार की दवा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। गरीब मरीजों को बाहर से दवा खरीद कर लानी पड़ रही है। अस्पताल से मिल रहा है तो सिर्फ पानी। हैरानी की बात तो यह है कि जिस मरीज ने चिकित्सक से अपना इलाज करा लिया, उस मरीज को चिकित्सक द्वारा अस्पताल में भर्ती न लेते हुए उन्हें डांट कर भगा दिया जा रहा है। हालांकि INN24 न्यूज की पहल के बाद वृद्ध महिला को भर्ती करा लिया गया। वही सिविल सर्जन ने इस घटना पर भी पहले की तरह निंदनीय बताते हुए जाँच की बात कही। जिले के उपायुक्त ने तो मामले से अपना पल्ला ही झाड़ लिया। पुर्जा मिलता है, खरीद के लाते हैं हम लोग बाहर से ला रहे हैं। यहाँ से कुछ नहीं मिला, पानी खाली मिला है, पानी में भर रहे हैं। 15 मिनट हो रहा है, हम लोग आए सीलम से आए। तो डॉक्टर अभी है नहीं यहाँ। डॉक्टर नहीं है, 15 मिनट हो गया। अच्छा ना, ऊपर साहब ने फोन किया आपको कि एक मरीज है भर्ती नहीं, हमने कहा है पता नहीं क्या डॉक्टर बता दिया। तो मैंने कहा आते हैं क्या लगता है सर, इस तरह से बातें लगातार कल भी है। मरीज को डांटना तो अधिकार हम लोग का, अच्छा सबको उनको समझाना है। ठीक है, अगर बाहर से दिखा रहा है तो हम लोग यहाँ आए थे दवाई देंगे और बाहर से इसको जरूरत है सब बोल रहे थे भगाना तो नहीं भगाना नहीं। ये आपको तो लापरवाही से इस तरह से हो रही है। इस पर हमने भेज दिया गया है, वहाँ से जो आदेश होगा वो हम लोग कार्रवाई करेंगे या उनके स्तर से विभागीय स्तर पर जो कार्रवाई की जाएगी।
बिहार के गया में फंती फल्गु नदी में दो फंसे लोग का लाइव वीडियो। बेलागंज के श्रीपुर के पास बने अर्धनिर्मित पुल के नीचे से गुजर रहे दो व्यक्ति उस समय फंस गए जब अचानक उफंती फल्गु नदी का जल स्तर बढ़ने लगा। बचाने के लिए घंटों चिल्लाने के बाद 10 स्थानीय लोग और मल्लाह नदी में घुसे। वही लोगों ने बताया कि 6 लोग इस नदी से पार कर रहे थे, तभी फल्गु नदी में उफान आ गया जिसमें 4 लोग किसी तरह से बाहर निकल गए लेकिन 2 लोग नदी के बाढ़ में फंस गए। वही स्थानीय लोगों ने बेलागंज के बीडीओ और थाने को सूचना दी और बेलागंज थाना और बीडीओ मौके पर पहुंचकर तैराक और स्थानीय लोगों के सहारे दोनों व्यक्तियों की जान बचा ली। अचानक बाहर जाने कारण प्रशासन के द्वारा मना कर दिया गया था कि नाव नहीं चलाएंगे। इसी बीच में अचानक 6 आदमी नदी में कूद गए। अब 6 आदमी कूदने के बाद 4 आदमी किसी तरह से निकल गए। 2 आदमी लगभग 4-5 घंटा से फंसे हुए थे पाया पकड़ करके। प्रशासन के द्वारा भी पहल किया गया। खियासरा प्रशासन कारण क्या था, खियासरा प्रशासन के द्वारा मल्लाह को मारपीट कर दिया गया था। इसी में लोग नाव चलाना बंद कर दिया था। फिर भी काफ़ी मशक्कत के बाद हम लोग के प्रयास से मल्लाह लोग श्रीपुर के लोग गए और 2 आदमी को निकालने में सफल हो गए। कहाँ से कहाँ जा रहे थे वो दोनों? इन लोग श्रीपुर से खियासरा नदी पार हो रहे थे। कहाँ के रहने वाले थे? इन लोग थे खियासरा चार के रहने वाले थे। आइए बढ़ते हैं क्राइम की खबरों की ओर। झारखंड के सीसीएल बनिया डी कोलियारी में अज्ञात चोरों ने फिर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि चोरी की घटना में चोरों को विशेष कुछ हाथ तो नहीं लगा लेकिन वारदात से सीसीएल के कोयला डिस्पेंस का कार्य प्रभावित हो गया। बताया जाता है कि बीती रात चोरों ने कबरीबाद माइंस स्थित सीसीएल के डीजल पंप डिपो में सेंधमारी की कोशिश की। चोरों ने पंप के टंकी लॉक को तोड़कर डीजल निकालने की कोशिश की लेकिन चोरों को विशेष कुछ हाथ नहीं लगा। चोरी की घटना की खबर मॉर्निंग शिफ्ट में काम करने आए कर्मियों को लगी। कर्मियों ने तुरंत सीसीएल के अधिकारियों को मामले की सूचना दी। घटना के बाद से डीजल सप्लाई का कार्य डिपो से बंद है। आमदनी साहब बोला कि पंप में चोरी हुआ है, टैंक डीजल टैंक नंबर 2 का और इंटरलॉक टूटा हुआ है। उसके बाद हम सारा अफसर को जैसे AK ओझा, RP सिंह, MK सिंह और सेफ्टी ऑफिसर पटेल साहब को सूचना दिए। सिक्योरिटी लोग आए, सब आदमी देखे। उसके बाद पंप खोल के हम लोग डीजल को नापे, सीकर छोड़ पाए। झारखंड के जामताड़ा में नकली अंग्रेजी शराब बनाने के फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ है। छापेमारी में करीब 10 लाख रुपए का नकली शराब बरामद हुआ है एवं शराब बनाने के सामानों को बरामद किया है। नारायणपुर थाना की पुलिस ने लोकोनिया के आदिवासी टोला से भारी मात्रा में नकली शराब, पैक करने का रैपर, स्प्रिट, शराब बनाने का औजार वगैरह बरामद किया है। पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। पुलिस ने वहां से 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस इसकी सरगना को भी तलाश रही है। जामताड़ा के SP डॉक्टर जय ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है और इसके सरगना को भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जहाँ पर शराब बनाई जा रही थी वहाँ पर से हम लोगों ने काफ़ी सारा सामान जो अवैध शराब के निर्माण हेतु यूज़ होता है, जैसे कि स्पिरिट, कुछ बोतलें जो एक्चुअली जो शराब की बोतलें होती है रॉयल स्टैग वगैरह की जो बोतलें हैं उसमें फेक शराब भर के जो बेची जा रही थी, वो सारा सामान हम लोगों ने बरामद किया है। इस संदर्भ में नारायणपुर थाना कांड संख्या 156/17 दिनांक 7/8/17 जिसमें फोर्जरी की सेक्शन 467, 468, 471 तथा उत्पाद अधिनियम के सेक्शंस लगा के हम लोगों ने केस किया है। इसमें 2 लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट किया है। इसमें से है नूनूलाल मुर्मू, उम्र करीब 50 वर्ष है, और मुन्नूलाल मुर्मू 2 लोगों को हम लोगों ने एक घर से अरेस्ट किया जो लोग इस शराब को तैयार कर रहे थे। बिहार के समस्तीपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 10 लाख रुपए से अधिक के शराब बरामद किया है। वही पुलिस ने अंतर जिला गिरोह के कुख्यात अपराधी वैजनाथ राय सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और एक पार्सल वैन और एक स्कॉर्पियो जब्त किया। बगरा NH 28 थाना क्षेत्र के चांदनी चौक में की गई पुलिस की इस कार्रवाई में एक पार्सल वैन में बने तहखाने और स्कॉर्पियो गाड़ी से कुल 161 कार्टून में रखे 4,272 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किया है। इस मामले में सदर DSP मोहम्मद तनवीर ने बताया कि पुलिस को जानकारी मिली कि हरियाणा से इस शराब को लाया जा रहा है और इस खेप के साथ एक कुख्यात अपराधी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
NH बांगरा थाना पे रात्रि गश्ती के क्रम में इम्पॉर्टेंट रिकवरी हुई है शराब की। इसमें हरियाणा से लाए जाने वाले शराब के खेप के साथ एक कुख्यात अपराधकर्मी की भी गिरफ्तारी हुई है। इसमें कुल 161 कार्टून बरामद किए गए हैं शराब। इसके अलावा अपराधकर्मी के साथ दो और लोग गिरफ्तार किए गए हैं। साथ साथ इससे इसकी गिरफ्तारी से बड़ा खुलासा भी हुआ है कि ये बरामद शराब की खेप कहाँ से लाई जा रही थी, फिर कहाँ तक ले जाना था, किन लोगों को लेना था। इस प्रकार इस पूरे मामले का जो पूरा खुलासा हुआ है, इस खुलासे के बाद सभी लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया जाएगा इस कांड में और सभी लोगों को जेल के सलाखों में पहुंचाया जाएगा। दिल्ली से लेकर हरियाणा व पश्चिमी यूपी के कई जिलों में महिलाओं के चोटी काटने की घटनाएं सामने आने के बाद अब बिहार के बक्सर जिले के डुमराव में भी छात्रा की चोटी कटने का मामला सामने आया है। वही इस रहस्यमय तरीके से चोटी कटने की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। इस बाबत प्राप्त जानकारी के अनुसार डुमराव स्थित दक्षिण टोला निवासी ज्ञानचंद्र राय की पुत्री सिमरन 8वीं की छात्रा हैं, जो उषा रानी महारानी विद्यालय में पढ़ती हैं, जो घर में अपने मां के साथ सो रही थी कि इसी बीच उसकी छोटी बहन स्कूल से पढ़कर वापस आई तो उसने देखा कि उसकी दीदी के बाल काट कर वहीं रखा गया है। उसने तुरंत अपने परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद पूरे घर में हो हल्ला मच गया। देखते ही देखते ये खबर आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई, जिसके बाद कटी चोटी को देखने के लिए भीड़ इकट्ठी होने लगी। चोटी कटवा के नाम से लोगों में दहशत का माहौल है और लोग तरह तरह की चर्चाएं भी कर रहे हैं। एक तरफ जहां लोग इसे अफवाह करार दे रहे थे, वहीं आज उनके सामने प्रत्यक्ष रूप से घटना सामने थी, इसलिए लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दें। खबर लिखे जाने तक प्रशासन को सूचना नहीं मिली थी, तो अब ये देखना लाजमी होगा कि प्रशासन इसे क्या मानती है। हाँ, अब हम लोग अवाक रह गए कि अरे अभी तो हम लोग न्यूज में देख रहे थे, टीवी पे देख रहे थे कि ऐसा यहाँ यहाँ हो रहा है और हम ही लोग के घर में हो गया, विश्वास ही नहीं हुआ। पहले हम किचन से आए तो उठाए सबको तो देखे तो दीदी का बाल कटा हुआ है। कटा हुआ है? कौन कौन था यहाँ पे? मम्मी और ये दोनों लोग सोए थे? तीनों लोग सोए थे। तो आप किसको बताइए? हम दीदी को बताएं। कुछ दिखाई नहीं दिया, वहाँ पर उस तरफ हम थे, बीच में वो थी, इस तरफ छोटा लड़का था जी। कुछ बुझाया नहीं कि कौन आया, कैसे कटा। वो तो 5 बजे जब छोटी लड़की ट्यूशन से आई तो वहीं देखी। 2:40 में तो ट्यूशन गई थी, तब तक तो हम लोग सब जगे थे, कोई नहीं सोया था। डर तो लग ही रहा था, डर अभी भी लग रहा है। कौन है ये आदमी है कि क्या चीज है कि दिखाई नहीं देता है, कैसे आता है, कैसे जाता है, कट जाता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां लोगों को एक दूसरे के लिए वक्त नहीं मिलता, वहां एक ऐसी घटना सामने आई जिसने इंसानियत को भी तार तार कर दिया। जी हां, यह घटना महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के तहसील बल्लारपुर की है, जहां के लोगों की इंसानियत मर चुकी है। यहां एक व्यक्ति तकरीबन 2 दिन से सड़क पर पड़ा रहा, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया या जानने की कोशिश भी नहीं की कि उस आदमी को हुआ क्या है। मिली जानकारी के मुताबिक यह अज्ञात व्यक्ति पिछले 2 दिन से जिस इलाके की सड़क पर पड़ा मिला, वहां आसपास बल्लारपुर नगर परिषद और बल्लारपुर ग्रामीण रुग्णालय के ठीक सामने ये व्यक्ति असहाय हालत में 2 दिन से पड़ा था, लेकिन किसी ने भी अपनी इंसानियत नहीं दिखाई। वही हमारे संवाददाता तनशील पठान और विनोद दुर्गे ने मिलकर उसे ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया। वही हमें यह भी पता चला कि इस शख्स को 2 दिन पहले किसी अनजान व्यक्ति ने भर्ती कराया और उस पर उपचार किए, लेकिन अस्पताल की लापरवाही की वजह से उसे मिर्गी का दौरा पड़ा, लेकिन अस्पताल के कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से उस व्यक्ति को अनदेखा किया गया और वह अस्पताल के बाहर गिर पड़ा। 2 दिन तक उसी हालत में पड़ा रहा, लेकिन ना अस्पताल के कर्मचारियों ने ध्यान दिया, ना आने जाने वाले लोगों ने। क्या इंसानियत किसी में भी नहीं है आज के जमाने में? अगर इस प्रकार का कोई भी कर्मचारी अधिकारी अगर है तो उसे दोषी पाकर उनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई करे, ऐसी में मुझे ऐसे लगता है कि उनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई हो। चारों प्रशासकीय दफ्तर यहाँ पे है, चारों प्रशासकीय दफ्तर रहने के बावजूद भी अगर इस प्रकार की घटना होती है तो मुझे भी लगता है कि मैं माझी नगर सेवक हूँ, अभी तो नगर सेवक नहीं हूँ, नगर परिषद से मेरे
स्नेही संबंध है, लेकिन वहाँ की मैनेजमेंट या फिर हॉस्पिटल की मैनेजमेंट, पुलिस मैनेजमेंट या तहसील मैनेजमेंट, इन्होंने उस और ध्यान देना चाहिए था, लेकिन ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन जो भी कोई अधिकारी उसके तरफ ध्यान न देकर जानबूझ के इसे फेंका गया, ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार में समस्तीपुर के मुसरी घरारी के रुपौली गांव के पास NH-28 पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। बुलेरो और ऑटो के बीच हुई भीषण टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं। सभी घायलों का इलाज मुसरी घरारी के निजी क्लिनिक में जारी है। इस घटना के बाद बुलेरो चालक मौके से फरार हो गया है। घटना के संबंध में लोगों का बताना है कि ऑटो मुसरी घरारी से सातनपुर की ओर जा रही थी, जबकि बुलेरो विपरीत दिशा से आ रही थी। इसी दौरान दोनों ही गाड़ी में आमने सामने टक्कर हो गई। मरने वालों में ताजपुर थाने के रहीमाबाद के एक पिता और पुत्री हैं, जबकि तीसरे की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। बुलेरो में टक्कर हुई, जिसमें 2 आदमी का मृत्यु हो गया और 8-10 आदमी घायल है, जिनका उपचार कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा है। तो ये कहाँ पर घटना, कौन सा जगह है? रुपौली है, NH-28। बिहार के गया में अपनी बहन से राखी बंधवाने 3 भाई जा रहे थे कि रास्ते में स्कॉर्पियो गाड़ी ने तीनों भाई को रौंद दिया, जिससे एक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं 2 बच्चों को गंभीर स्थिति में इलाज के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला चाकंद थाना के विथो शरीफ के गया पटना मुखिया सड़क मार्ग की है। चाकंद थाना के विथो शरीफ के रहने वाले कारू प्रसाद के 3 पुत्र पास के ही गांव में कस्तूरबा गांधी विद्यालय में अपनी बहन से राखी बंधवाने जा रहे थे कि रास्ते में ही स्कॉर्पियो गाड़ी की चपेट में आ गए। वही आक्रोशित लोगों ने गया पटना मुख्य सड़क मार्ग को करीब 6 घंटे जाम कर दिया, जिससे सैकड़ों गाड़ी दोनों तरफ फंस गई। लोगों को कड़ी धूप में काफी परेशानी हुई है। साल के लगवा में उम्र है, अभी तक चाकन का कोई भी है, साथ में इसका भी धक्का लगा हुआ है, पीछे से पहले इसका भी लगा हुआ है, साथ में था, एक मेडिकल में भर्ती है। तुम्हारा कहाँ चोट है? पूरा चोट है, पकड़ाया भी है? नहीं, गाड़ी का नंबर लिखा गया है, गाड़ी पकड़ाया नहीं है। हम लोग रोड से इधर आ रहे थे, टेम्पो रुका, कहाँ जाना है, तक बोला रहे बिगा जाना, तो हम लोग यहाँ पर चढ़े और देखे कि टेम्पो कुछ नहीं आ रहा है, तो हम लोग आ रहे थे, तब हम लोग और तीनों जा रहे चढ़ने, तो यहाँ पर आए कि आग मन से मार दिया था। गाँव के कारू प्रसाद के लड़का की मृत्यु रोड एक्सीडेंट में हो गई है, और उनके अलावा उनकी बेटी के अलावा 2 व्यक्ति और जो बच्चे ही थे, तो दोनों इंजर्ड हैं। दोनों इंजर्ड की स्थिति ठीक है। वर्तमान में जो बच्चा जिसकी मृत्यु हो गई है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, और जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसमें आगे पूरी की गई। तो क्या मांग कर रहे हैं काम के रोड जाम करने का? इनका एक तो मुख्य मांग मुआवजा था, मुआवजा इनको दे दिया गया। बहुत देर लगने का कारण ये था कि मुआवजा का डिमांड थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन जो सरकारी प्रावधान है उनके अनुसार इनके बारे में कन्विंस किया गया, ये लोग मान गए और इसी वजह से रोड जाम टूटने में विलम्ब हुआ। कांपते हाथों से बहन ने तिरंगे में लिपटे भाई को बांधी राखी। शहीद भाई के पार्थिव शरीर से लिपट कर बहन बोली, ऐसे ही आना था तो ना आते भैया। नमाखों के बीच शहीद युगल को पूरे गांव ने अंतिम विदाई दी। छत्तीसगढ़ के राजनंदगांव के बरकट्टा में नक्सली हमले में शहीद हुए युगल की अंतिम यात्रा में नमाखों से गांव वालों ने कहा, युगल तुम्हारा ये एहसान पूरा गांव याद रखेगा। 25 सालों से कभी युगल की कलाई सुनी नहीं रही। हर राखी वो अपनी लाडली बहन फिंगेश्वरी से मिलने आता, राखी बंधवाता और बदले में बहन को तोहफा दे जाता। इस दफा भी आया, लेकिन खुद चलकर नहीं, तिरंगे में लिपटकर, ताबूत में बंद होकर। भाई को देखते ही बहन बेसुध हो गई। लोगों ने समझाया, युगल शेर दिल था, और शेर दिल जाबाज की बहन कभी शहादत पर आंसू नहीं बहाती, फक्र करती हैं। वाकई में सीना चौड़ा हो गया फलारी के कनकी गांव का, जिसने युगल जैसे जाबाज को पाला था। राखी पर इस दफा भी आने का वादा किया था युगल ने, सो बहन ने शुक्रवार को ही राखी खरीद ली थी। आज जब भाई तिरंगे में लिपटा पहुंचा तो बहन बिलक उठी। राखी लिए वो भाई की तरफ दौड़ी, लेकिन हर बार की तरह युगल ना मुस्कराया और आगे होकर कलाई ही आगे नहीं बढ़ाई। ये देख कर वो बेजार हो गई। बोली, भैया अगर तुमको इसी हाल में आना था तो इससे बेहतर होता तू ना ही आता। इस राखी, अगले रक्षाबंधन तुझे राखी बांध लेती। फिर लोगों ने पकड़ कर किसी तरह युगल के ताबूत पर राखी रखवाया। युगल कल नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए शहीद हो गया था। शहीद के पिता शिव कुमार, बड़े भाई गोविंद, माँ यशोदा, सबकी जुबान पर बस एक ही रट, युगल हमें छोड़कर नहीं जा सकता।
युगल की मौत की खबर पापा, भाई और बहन को तो पहले ही मिल गई थी, लेकिन माँ यशोदा और पत्नी को ये बातें नहीं बताई गई। टीवी तक नहीं खोला गया क्योंकि लगातार युगल की मौत की खबर चैनलों में फ्लैश हो रही थी। लेकिन माँ का दिल अनजाने भय को जान गया। उसने बेटे को कसम देकर युगल का हाल पूछा तो भाई गोविंद भी चित्कार मार कर रोने लगा। माँ समझ गई, तभी वो बेहाल पड़ी है। बेटा आदि पापा युगल का बेहद लाडला था। कभी वो दिन नहीं आया जब पापा उसके लिए कुछ लेकर नहीं आए हो, लेकिन इस दफा तो उसके पापा को ही लेकर सब आए थे। वो सबको देखता और पूछता, पापा ऐसे क्यों सोए हैं, उनको किसने मारा? फिर बोलता, जिसने पापा को मारा उसको वो छोड़ेगा नहीं। कौन नहीं था जिसकी आंखें नम नहीं थी, पूरा गांव रो रहा था। रायपुर कलेक्टर ओपी चौधरी भी पहुंचे थे, बलौदा बाजार कलेक्टर, एसपी, सभी की आंखें नम थी। राजकीय सम्मान के साथ युगल का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस मौके पर तमाम पुलिस अफसर और गांव के लोग मौजूद थे। रक्षाबंधन का त्यौहार संपूर्ण भारत में बड़े धूमधाम से मनाया गया। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के कोरबा में भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन को कोरबा के कांग्रेसियों ने कुछ अलग अंदाज से मनाया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नगर विधायक एवं महापौर द्वारा रक्षाबंधन के पर्व को कोरबा विधानसभा क्षेत्र की बहनों के साथ बड़े धूमधाम से मनाया। कांग्रेस द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में भारी संख्या में महिलाएं विधायक के साथ कार्यकर्ताओं को राखी बांधी। कार्यक्रम में लगभग 12,000 बहनों को विधायक द्वारा साड़ी भेंट की गई। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष राजकिशोर प्रसाद सहित भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। रक्षाबंधन का त्यौहार है, इसको हम लोग भव्य रूप से मनाते हैं और कोरबा क्षेत्र की हजारों माताएं बहनें आज इस कार्यक्रम में शामिल हुई हैं, जो राखी बांधने के लिए यहाँ उपस्थित हुई और हमने सबका स्वागत किया। हमारे परिजनों ने, सभी हमारे कांग्रेस के साथियों ने उनका स्वागत किया और बहुत ही अच्छा आयोजन रहा कि हजारों की संख्या में माताओं बहनों ने आशीर्वाद दिया है इस रक्षाबंधन के त्यौहार पे। हम लोगों ने भी कोरबा क्षेत्र के विकास और उन्नति की कामना की है, साथ में इन माताओं बहनों की रक्षा करने का भी संकल्प लिया है। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हमारे कोरबा के अति लोकप्रिय विधायक माननीय जयसिंह अग्रवाल जी के द्वारा क्षेत्र की माता बहनों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत निष्ठापूर्वक मनाया गया। रक्षाबंधन का भव्य आयोजन किया गया है और उस आयोजन में इतना उत्साह रहा महिलाओं में उनको रक्षा सूत्र बांधने का, क्योंकि ये भाई बहन के स्नेह का त्यौहार है, बंधन का त्यौहार है। कोरबा की जनता का, कोरबा की बहनों का उनके लिए आशीर्वाद देखते ही बन रहा है जो आप सब देख रहे हैं। ये महाआयोजन हमारे नगर शहर के विधायक आदरणीय भैया जयसिंह अग्रवाल जी के द्वारा पूरे शहर की बहनों को सादर आमंत्रित कर रक्षा सूत्र बंधवाया गया और यह ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित हुआ है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहें INN24 पर। नमस्कार।